हेलो एंड वेलकम टू ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी वन स्टेप एड फॉर लर्निंग। दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आपको पता ही है दोस्तों, ऑनलाइन अड्डा फॉर स्टडी आप लोगों के लिए लेकर आए क्रैश कोर्स फॉर स्पेशल यूपी टेट। दोस्तों घड़ी में 1:30 बजे का टाइम है, तो इसका मतलब अभी जो टाइम हुआ है वो अभी आपकी इंग्लिश का क्लास का टाइम हो चुका है दोस्तों। तो राइट द टाइम आप लोग की जो क्लास है वो आ चुकी है दोस्तों। पहले आप लोग क्लास की एक बार टाइमिंग देख सकते हैं, सबकी सभी क्लासों की टाइमिंग आप लोगों के सामने है दोस्तों। दोस्तों आज का जो एक पावन पर्व है जन्माष्टमी का त्यौहार है, सबसे पहले मैं आपको उसकी हार्दिक बधाइयाँ देना चाहता हूं दोस्तों। तो ये जो त्यौहार है आप लोगों के लिए जो आपकी लाइफ में काफ़ी खुशियां लेकर के आए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। तो आज से पहले जो दोस्तों हमने डिस्कस किया था वो हम ना प्रीवियस ईयर डिस्कस कर रहे थे, लेकिन अब हमने पैटर्न को चेंज किया है। बिकॉज आप प्रीवियस ईयर हमने जो है 2 ईयर्स के हमने कंप्लीट कर लिए हैं, बाकी बचता है वो हम बाद में भी कर लेंगे, डजेंट मैटर इट दोस्तों। हमने क्रैश कोर्स का मतलब है हमने आपको कोर्स कराना है, प्रीवियस ईयर ही करा के नहीं छोड़ देना दोस्तों। तो कहने का मतलब है हम आपको वन बाई वन चीज़ें कवर करवाने वाले हैं। इंग्लिश का सेक्शन है तो इंग्लिश में जो सबसे पहले और बेसिक चीज़ जो इसको कहते हैं दोस्तों, अब हम नाउन से शुरू करेंगे, फिर नाउन के बाद प्रोनाउन पे जाएंगे। और मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकता हूँ, अगर आपने नाउन पढ़ लिया अच्छे से, नाउन का वीडियो 1 से 2 बार देख लिया, 110% आपको कभी नाउन को लेकर प्रॉब्लम नहीं आएगी। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक हम्बल रिक्वेस्ट है आपसे दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को दबाएं जिससे कि सारी नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं पहली स्लाइड के साथ में। तो दोस्तों पहली स्लाइड आप लोगों के सामने आ गई होगी, द नाउन काइंड्स ऑफ नाउन्स। दोस्तों अब मैं आपको नाउन से शुरू करने वाला हूं। तो नाउन में मैंने आपको एक चीज़ आपको कवर करवानी है, और मैं आपको 100% श्योर होकर बोल रहा हूँ, अगर आप नाउन का वीडियो अच्छे से देख लोगे ना आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन सुना आपने कई बार होता, लेकिन आपको ना कनेक्ट करने में प्रॉब्लम आती है। दोस्तों आज मैं नाउन शुरू करता हूँ। तो नाउन की पहले सिंपल से मैं आपको समझा देता हूँ। अ नाउन इज़ वर्ड यूज एज द नेम ऑफ अ पर्सन, प्लेस और थिंग। आपने सुना होगा किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के नाम पर जो यूज होता है उसको हिंदी में संज्ञा कहते हैं, तो इंग्लिश में नाउन। नोट द वर्ड थिंग इज़ यूज टू मीन एनी थिंग दैट वी कैन थिंक ऑफ। तो लुक एट द फॉलोइंग सेंटेंस, अशोका वॉज अ वाइज किंग। दोस्तों अब इसके अंदर ना दोस्तों दो नाउन यूज हुए हैं। दो नाउन का नाम अगर मैं आपको बताऊंगा तो एक है कॉमन नाउन, एक है प्रॉपर नाउन। अब आप लोगों के बात दिमाग में बात आ रही होगी कि कॉमन और प्रॉपर नाउन ये कैसी, ये क्या चीज़ है। तो दोस्तों जो अशोका है, अशोका जो होगा दोस्तों वो होगा प्रॉपर नाउन, और जो किंग जो होगा दोस्तों वो होगा कॉमन नाउन। क्यों होगा, कैसे होगा, उसके बारे में अब मैं आपको थोड़ा डिस्कस कर लेता हूँ। जैसे कि दोस्तों आपका नाम है, बाय द वे आपका नाम सुमन है या आपका नाम रमन है, जो वॉट एवर यू आर, आपका नाम अगर रमन है तो समझ लीजिए आपका नाम रमन है। अगर मैं आप 100 लोगों की भीड़ में खड़े हो, अगर मैं आपको बुलाता हूँ रमन, तो आप रमन संजीव या संजीव बुलाता हूँ, संजीव आप उठ कर के आओगे, तो मतलब कि मैंने एक पर्टिकुलर बंदे को बुलाया है, मतलब एक प्रॉपर बंदे को बुलाया है रमन। अगर 100 लोग एक साइड खड़े हुए, अगर मैं बोलता हूँ बॉयज़ कम हियर, बॉय कम हियर, तो वहाँ पर सारे जो 100 लोगों में से 40 तो लड़के होंगे दोस्तों, तो 40 में से 40 के लोग मेरे पास आ जाएंगे, हाँ जी बोलो। तो दोस्तों जो बॉय है ना बॉय, तो बॉय जो होगा दोस्तों वो कॉमन नाउन होता है। प्रॉपर नाउन बोलते हैं जैसे रमन हो गया, किसी पर्सन के नेम को लेके के हमने बोलना है। अब अगर दोस्तों हम बात करें इसी बात को लेके के हम थोड़ा ब्रीफली जाएं, अगर किसी फीमेल का कोई नाम है, अगर हम बोलें दोस्तों सीता, तो सीता क्या होगा दोस्तों, प्रॉपर नाउन होगा। अगर मैं बोलता हूँ गर्ल, तो गर्ल क्या होगा दोस्तों, कॉमन नाउन होगा। अगर हम बोलते हैं वुमन होगा दोस्तों कॉमन नाउन, और मैन होगा दोस्तों वो भी कॉमन नाउन। अगर हम किसी का पर्टिकुलर नाम लेकर के बोलते हैं संजीव राठौर, जो भी वट एवर, अगर हम किसी का नाम लेते हैं तो वो दोस्तों जो होगा वो होगा प्रॉपर नाउन। वही स्लाइड में लिखा हुआ, द नाउन अशोका रेफर्स टू पर्टिकुलर किंग, बट द नाउन किंग माइट बी अप्लाइड टू एनी अदर किंग एज वेल एज द अशोका, वी कॉल अशोका प्रॉपर नाउन एंड द किंग अ कॉमन नाउन। सिमिलरली दोस्तों ऐसा ही इसमें बताया गया है कि अशोका जो है दोस्तों वो एक पर्टिकुलर बंदे की तरफ इशारा करता है, लेकिन किंग तो कोई और भी हो सकता है, किंग राजू भी हो सकता है, किंग कोई और भी हो सकता है। तो कहने का मतलब है किंग हम किसी और के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ऐसे ही दोस्तों क्वीन जो होगा, क्वीन जो रानी होगा, तो वो भी एक जो होगा दोस्तों कॉमन नाउन होगा, प्रॉपर नाउन नहीं होगा। तो दोस्तों इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं। आगे आप लोगों के सामने थोड़े से जो एग्जांपल है जो मैं आपको कवर करवाना चाहता हूँ। सीता इज़ अ प्रॉपर नाउन, मैंने आपको बताया सीता तो प्रॉपर नाउन है,
वाइल गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन, लेकिन जो गर्ल होगा दोस्तों वो कॉमन नाउन होगा। दोस्तों हद इज़ द प्रॉपर नाउन, वाइल बॉय इज़ कॉमन नाउन। अगर किसी लड़के का नाम है तो दोस्तों वो होगा प्रॉपर नाउन होगा, अगर वो हम उसको सिर्फ लड़का बोलेंगे तो वो कॉमन नाउन हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही हम बात करते हैं राज्यों के बारे में। अगर मैं बोलूँ राज्य तो राज्य तो दोस्तों कॉमन नाउन है, स्टेट बोलूँगा तो वो कॉमन नाउन होएगा। अगर मैं बोलता हूँ दोस्तों कोलकाता, या फिर अगर मैं बोलूँ यूपी, मैं बोलता हूँ राजस्थान, तो कहने का मतलब है मैं एक पर्टिकुलर स्टेट के बारे में बात कर रहा हूँ, तो वो क्या होगा दोस्तों वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ऐसे ही दोस्तों सिटी होगा, सिटी के बारे में अगर मैं बात करता हूँ तो सिटी जो तो अगर मैं बोलता हूँ सिटी तो सिटी कॉमन नाउन हो जाएगा। अगर मैं बोलता हूँ आगरा, इलाहाबाद और जो भी आपका जो दोस्तों घर हो उसके बारे में अगर मैं बोलता हूँ तो वो बन जाएगा प्रॉपर नाउन। तो आई होप दोस्तों कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बीच में आपके जो कन्फ्यूजन है वो दूर हो गया होगा। तो देखते हैं दोस्तों अगला, कोलकाता इज़ अ प्रॉपर नाउन वाइल सिटी इज़ अ कॉमन नाउन। तो दोस्तों देखते हैं इंडिया, इंडिया इज़ अ प्रॉपर नाउन वाइल कंट्री इज़ अ कॉमन नाउन। अगर किसी कंट्री का मैं नाम लेता हूँ, अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, पाकिस्तान, भूटान, चाइना, तो दोस्तों ये प्रॉपर नाउन की जो प्रॉपर नाउन के अंदर आती हैं। अगर मैं बोलता हूँ कंट्री तो कंट्री के अंदर तो सारी कंट्री आ जाती हैं, तो कंट्री तो हम किसी को भी बोल सकते हैं, चाइना को भी कंट्री बोलेंगे, पाकिस्तान को भी कंट्री बोलेंगे, ऑस्ट्रेलिया, श्रीलंका, सबको ही हम कंट्री बोलेंगे। तो कहने का मतलब ये कॉमन नाउन हो जाएगा जो सबके लिए यूज होता है। दोस्तों जैसे कि अब आप लोग चीज़ों को कनेक्ट कर रहे होंगे कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन के बारे में, तो इसी को देख के थोड़ा सा हम आगे बढ़ते हैं। द वर्ड गर्ल इज़ अ कॉमन नाउन बिकॉज इट इज़ अ नेम ऑफ कॉमन टू ऑल गर्ल्स, वाइल सीता इज़ अ प्रॉपर नाउन बिकॉज इट इज़ द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर गर्ल। तो कहने का मतलब है दोस्तों जो गर्ल होगा वो सबके लिए यूज़ किया जा सकता है, लेकिन सीता, गीता और सुनीता इन सब के लिए हम गर्ल को यूज़ कर सकते हैं, लेकिन सुनीता के लिए सीता को यूज़ नहीं कर सकते, बिकॉज जिसका वो नाम है हमने तो उसको ही बुलाना ना। तो जो गर्ल होगा वो कॉमन नाउन होगा, और अगर किसी का नाम सीता, गीता और पुनीता जो भी है वो होगा दोस्तों प्रॉपर नाउन। अ कॉमन नाउन इज़ अ नेम गिविन टू अ कॉमन नाउन टू एवरी पर्सन और थिंग और सेम क्लास ऑफ काइंड। कॉमन हियर मीन्स द शेयर्ड बाई ऑल। तो डिफरेंस, अ प्रॉपर नाउन इज़ द नेम ऑफ अ सम पर्टिकुलर पर्सन और प्लेस। प्रॉपर मीन्स वंस ओन, हैंस द प्रॉपर नेम इज़ द पर्सन और ओन नेम। तो जैसा मैंने आपको सब कुछ बता दिया है, किसी के पर्सनल नाम, किसी का अगर हम किसी का नाम लेते हैं तो दोस्तों वो होगा प्रॉपर नाउन, और अगर हम किसी को बॉय या गर्ल और वुमेन की तरीके से बुलाते हैं तो वो प्रॉपर नाउन हो जाएगा। नोट, प्रॉपर नाउन्स आर ऑलवेज रिटन विद द कैपिटल लेटर्स एट द बिगनिंग। दोस्तों यहाँ पर नोट करना है, जो प्रॉपर नाउन होगा दोस्तों उसको हम हमेशा कैपिटल लेटर से लिखते हैं। इसको मैं बता देता हूँ, जैसे कि आप अपना नाम लिखते होंगे दोस्तों, तो आपका नाम जो लिखा जाता है दोस्तों वो कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है, तो आप इससे यहाँ पर कनेक्ट कर सकते हैं। तो आई होप दोस्तों कॉमन नाउन और प्रॉपर नाउन की जो आपकी प्रॉब्लम थी वो तो आपकी अब दूर हो गई होगी। अब इसमें थोड़ा सा और ब्रीफली जानने की कोशिश करते हैं। नोट टू, प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज एज अ कॉमन नाउन एज ही वॉज द लुक मैन। तो नोट टू दोस्तों आपने करना है कि प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज एज अ कॉमन नाउन। अभी आप लोग कह रहे होंगे प्रॉपर नाउन तो अलग अलग है, लेकिन कभी कभी क्या होता है दोस्तों प्रॉपर नाउन होता है वो एज ए कॉमन नाउन भी यूज कर लिया जाता है। आप अपनी सिंपल लैंग्वेज में कहते होंगे, जैसे कि अगर आपका कोई फ्रेंड है अच्छी बैटिंग करता है, वो अच्छा खेलता है, या फिर अगर वो अच्छी बैटिंग कर सकता है तो हम कहते हैं ये तो सचिन तेंदुलकर है। बट सचिन तेंदुलकर तो दोस्तों वो प्रॉपर नाउन है, लेकिन अगर हम किसी पर्सन के लिए यूज़ करें जो हमारा फ्रेंड है वो अच्छा खेलता है, अगर हम उसके लिए बोलते हैं ये सचिन तेंदुलकर है, तो कहने का मतलब कई बार जो प्रॉपर नाउन है वो एज ए कॉमन नाउन यूज़ हो जाता है। ऐसे ही यहाँ पर दो एग्जाम्पल मैंने आप लोगों के लिए लिए हुए हैं। ही वॉज द ल्यूकमैन द वाइजेस्ट मैन ऑफ हिज एज। तो कहने का मतलब है ये सेकंड में आपको अच्छे से कम हो जाएगा, फर्स्ट जो वो अंग्रेज का नाम है किसी का। तो कालिदास इज़ द ऑफन कॉल्ड द शेक्सपियर। तो आप हम लोग कहते हैं दोस्तों कालिदास है वो इंडिया के शेक्सपियर हैं, लेकिन शेक्सपियर तो दोस्तों एक प्रॉपर नाउन है, लेकिन हम यूज़ किसके लिए करते हैं, कालिदास जी के लिए। तो कालिदास को जो हम शेक्सपियर बोलते हैं, तो ऐसे ही इसी चीज़ को जैसे मैंने आपको बताया, अगर आप अपने फ्रेंड को बोलोगे कि ये सचिन तेंदुलकर है हमारी टीम का, तो कहने का मतलब है कई बार प्रॉपर नाउन एज ए कॉमन नाउन इस तरह से यूज हो जाता है। आई होप दोस्तों आप लोगों को चीज़ें समझ में आ रही होंगी। अगर इसके रिलेटिव कोई डाउट्स है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। चीज़ों को थोड़ा सा मैंने ज़्यादा ब्रीफली ले जाने की भी कोशिश नहीं की है, बिकॉज अगर हम ज़्यादा अंदर जाके चीज़ों को समझेंगे तो मुश्किल हो जाएगा। सिंपल बीमा मैंने आपको इंग्लिश कवर करवा देनी है, बहुत सिंपल इंग्लिश होती है दोस्तों, कुछ भी नहीं है। नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन और
अवेस्टेक नाउन और कलेक्टिव नाउन और जेंडर नाउन, सारी प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी एक या दो वीडियो में। आपको नाउन खत्म हो जाएगा, फिर प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब सब कुछ कराएंगे दोस्तों, वन बाई वन कवर कराना है। डोंट वरी दोस्तों, बस आप लोगों का प्यार चाहिए, लाइक एंड शेयर आप करते रहिए। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपनी अगली स्लाइड में। अगली स्लाइड दोस्तों आप लोगों के सामने आ गई होगी। तो आप लोगों के सामने दोस्तों अ कलेक्टिव नाउन इज द नेम ऑफ अ नंबर और कलेक्शन और पर्सन और थिंग्स टेकन टुगेदर आर स्पोकन और वन होल एज। जैसे कि दोस्तों आप अब बात करते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन को दोस्तों हम कहते हैं एक नंबर, जैसे कि कुछ संख्या में कुछ लोग खड़े हुए हैं, जैसे कि अगर कहीं पर होता है ना बहुत ज़्यादा भीड़ लगी होती है, अगर वहाँ पर कोई वन पर्सन खड़ा है तो वो तो सिंगल हो जाएगा। अब कलेक्टिव नाउन में जैसे हम कहते हैं ना क्राउड, वहाँ पर बहुत ज़्यादा क्राउड है, तो क्राउड के अंदर तो दोस्तों भीड़ ही है, काफ़ी लोग खड़े हुए हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 10 और 20 और 25, 26 जितने भी हैं दोस्तों। तो दोस्तों जो एक ग्रुप को वहाँ खड़ा हुआ हम उसको क्या बोलते हैं दोस्तों, वो उसको हम बोलते हैं क्राउड, भीड़। तो कलेक्टिव नाउन दोस्तों उसी को जो उसको यूज़ करने के लिए, उसकी जो फॉर्म को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है उसको हम बोलते हैं कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन जैसे कि एग्जाम्पल क्राउड, मूव, टीम। अब जैसे दोस्तों बात आती है टीम की, टीम जैसे टीम इंडिया, टीम इंडिया में सचिन है, सहवाग जो, ये मैं पुराने बता रहा हूँ, अभी तो आपको पता है विराट कोहली है, शिखर धवन है, रोहित शर्मा है, रहाणे है। तो मतलब कहने का ये सबके अलग अलग नाम है, सबका प्रॉपर नाउन है। तो लेकिन अब हम इसको एक चीज़ बोलते हैं, क्या बोलते हैं दोस्तों, टीम, टीम ऑस्ट्रेलिया, टीम इंग्लैंड। तो कहने का मतलब है उसमें 11 पर्सन तो हैं, लेकिन उनका जो कलेक्शन है ना, जो जो प्लेयर्स का कलेक्शन को हम बोलेंगे उसको हम बोलेंगे टीम। तो ऐसी फ्लॉक, हर्ड, आर्मी। अब सैनिक के अंदर तो दोस्तों लाखों करोड़ों लोग होते हैं, सबके अलग अलग नाम होते हैं, सब कुछ होता है। तो जो एक ग्रुप होता है उसको आर्मी को, तो उसको हम बोलते हैं आर्मी। जो मिलिट्री होती है दोस्तों, ऐसी फ्लीट, ज्यूरी, फैमिली। फैमिली के अंदर दोस्तों मेल भी होते हैं, फीमेल भी होते हैं, सब कुछ होते हैं। तो कलेक्शन जो होता है एक, तो उसको हम बोलते हैं फैमिली। नेशन के अंदर दोस्तों राज्य, स्टेट, पर्सन, सिटी, कंट्री, सब सिटी, सॉरी कंट्री नहीं होता है, सिटी, डिस्ट्रिक्ट, तो सब कुछ आता है दोस्तों, विलेज आता है, टाउन आता है। तो एक कलेक्शन है दोस्तों, ये सब एक एक साथ टुगेदर दोस्तों एक साथ आता है, तो उसके लिए हम नेशन बोलते हैं। पार्लियामेंट, कमिटी, ये इसके उदाहरण है दोस्तों। तो अब इसको वन बाई वन मैं आपको थोड़ा सा कवर कराता हूँ। अफ्लीट, अफ्लीट को बोलते दोस्तों अ कलेक्शन ऑफ शेफ और वेजल्स एंड आर्मी। आर्मी अ कलेक्शन ऑफ सोल्जर्स, मैंने आपको बताया सोल्जर्स के कलेक्शन को आर्मी कहते हैं। अ क्राउड अ कलेक्शन ऑफ पीपल, जो काफ़ी लोग एक साथ खड़े हुए उसको उसके कलेक्शन को दोस्तों क्राउड कहते हैं। द पुलिस डिस्पैच द क्राउड, द फ्रेंच आर्मी वॉज डिफीटेड अ वाटरलू। तो दोस्तों ये कुछ एग्जांपल हैं जिसके थ्रू आप कनेक्ट कर सकते हैं कि ये इनको कैसे यूज किया जा सकता है। द ज्यूरी फाउंड द पॉइजनर गिल्टी, अ हर्ड ऑफ कैटल इज पासिंग। तो दोस्तों कैटल भी दोस्तों एक जो है कलेक्टिव नाउन की तरह यूज किया जाता है, यहाँ पे नहीं था तो आप इसको नोट डाउन कर सकते हैं। कैटल, कैटल भी दोस्तों कलेक्टिव नाउन होता है, तो कैटल का जो मतलब होता है वो भी दोस्तों कलेक्टिव नाउन होता है। बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन, अगले की तरफ जो 22 है। तो आई होप दोस्तों हमने आप कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन कर लिया, कलेक्टिव हो गया। अब आती है दोस्तों बात अवेस्टेक नाउन की। एन अवेस्टेक नाउन इज यूजली द नेम ऑफ द क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसीडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच बिलोंग एज अ। दोस्तों जो चीज़, जैसे कि अब आपकी कोई अच्छाई होती है, जैसे कि पानी, जैसे कि मैं आपको बताऊँ कि हम किसी की अच्छाई बताते हैं, या किसी के अंदर जो है उसकी दयालु होती है, वाइटनेस, ब्लैकनेस होता है ना दोस्तों, कि जैसे कि अगर हमने पेंट कराया, पेंट कराने के बाद दोस्तों जो होता है इसमें काफ़ी ज़्यादा वाइटनेस आ गई है, डार्कनेस आ गई है, या फिर वाइटनेस आ गई है, या किसी की दोस्तों हम ऐसे बताते हैं कि ये काफ़ी ईमानदार है, ऑनेस्टी के बारे में हम बताते हैं, ब्रेवरी है, बहादुर के बारे में। तो जो इन चीज़ों को जो शो करने के लिए जो चीज़ होती है दोस्तों, जो जिसका हम यूज़ करते हैं, जैसे कि क्वालिटी, गुडनेस, काइंडनेस, वाइटनेस, डार्कनेस, हार्डनेस, वाइटनेस, ऑनेस्टी, विजडम, वेबरी, तो ये जो शब्द जो हम यूज़ करते हैं दोस्तों, ये अवेस्टेक नाउन के अंदर आते हैं। तो कहने का मतलब है दोस्तों बस नाम दिए हुए हैं अवेस्टेक नाउन, कॉमन नाउन, प्रॉपर नाउन। अगर सच में देखो ना तो कुछ भी नहीं है, ऑनेस्टी आ गई है। अगर क्वालिटी के बारे में अगर हम बात करें कि किसी चीज़ की क्वालिटी, पर्सन की या किसी थिंग की या किसी भी चीज़ को लेकर हम किसी की क्वालिटी के लेकर बात करेंगे तो वो अवेस्टेक नाउन के अंदर आएगा। अगर हम ग्रुप ऑफ पीपल के बारे में बात कर रहे हैं तो वो किस में आ जाएगा,
कलेक्टिव नाउन के अंदर आ जाएगा। कॉमन एंड प्रॉपर, कॉमन और प्रॉपर के बारे में मैंने आपको अच्छे से समझाई दिया है, तो आप तो समझ ही गए होंगे। क्वालिटी को लेकर के जब हम बात करते हैं किसी की गुडनेस अच्छाई के बारे में, काइंडनेस दयालु के बारे में, ब्राइटनेस मतलब सफ़ेदी के बारे में, डार्कनेस अंधेरे के बारे में, हार्डनेस टफ और ब्राइटनेस के मतलब उज्ज्वल जो ज़्यादा उसमें लाइट हो, ऑनेस्टी मतलब कि ईमानदारी, विजडम और ब्रेवी बहादुरी। तो कहने का मतलब है दोस्तों जब हम किसी की क्वालिटी को शो करते हैं तो वो अवेस्टिक नाउन के अंदर आती है। तो जिस भी चीज़ की हम क्वालिटी के बारे में बता रहे होते हैं, जो क्वालिटी बताते हैं वो आती है अवेस्टिक नाउन के अंदर में। दोस्तों एक्शन लाफ्टर थेफ्ट मूवमेंट जजमेंट हेडेड और स्टेट जो अब जैसे कि दोस्तों तो एक साइड हो गया दोस्तों क्वालिटी। अब दूसरी बात आती है दोस्तों एक्शन। अगर हम कुछ हम हंस रहे हैं लाइक लाफ्टर थेट मूवमेंट जजमेंट हेटरेड दोस्तों जो ये भी आता है दोस्तों ये आता है अवेस्टिक नाउन के अंदर। तो जैसे अगर हम बात करें अपनी अवस्था के बारे में जैसे चाइल्डहुड बचपन के बारे में बॉयहुड यूथ स्लेवरी स्लीप सिकनेस डेथ पॉवर्टी गरीबी ये सारी चीज़ें भी दोस्तों आती हैं अवेस्टिक नाउन के अंदर में। अवेस्टिक नाउन के अंदर दोस्तों क्या क्या चीज़ें आती हैं, सिर्फ आपने तीन चीज़ें याद रखनी है और कुछ नहीं। क्वालिटी एक्शन स्टेट। क्वालिटी में होता है दोस्तों गुडनेस काइंडनेस ब्राइटनेस डार्कनेस हार्डनेस वाइटनेस ऑनेस्टी विजडम ब्रेवरी। एक्शन के अंदर आता है लाफ्टर थेट मूवमेंट जजमेंट हेटरेड। अगर आप किसी को पसंद नहीं कर रहे हो, आप खुद हंस रहे हो या फिर कोई मूवमेंट कर रहे हो या किसी चीज़ को समझ रहे हो तो वो एक्शन जो आप ले रहे हो वो आता है किसके अंदर, अवेस्टिक नाउन के अंदर। अगर हम अवस्था के बारे में बात करते हैं बचपन के बारे में चाइल्डहुड बॉयहुड यूथ स्लेवरी स्लीप सिकनेस डेथ पॉवर्टी या गरीबी तो जब हम किसी अवस्था के लिए यूज़ करते हैं तो वो भी अवेस्टिक नाउन के अंदर आता है। द नेम ऑफ द आर्ट एंड द साइंस एग्जाम्पल ग्रामर म्यूजिक केमिस्ट्री ETC आर ऑल्सो अवेस्टिक नाउन। अब जैसे कि किसी चीज़ की आर्ट, अगर जैसे कि ग्रामर हो गई दोस्तों, म्यूजिक हो गई, केमिस्ट्री हो गई, मैथमेटिक्स हो गई, द नेम ऑफ द आर्ट किसी भी चीज़ की दोस्तों आर्ट एंड साइंस के बारे में अगर हम बात करते हैं दोस्तों तो वो भी दोस्तों अवेस्टिक नाउन के अंदर आती है। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट नोट है दोस्तों। ये बेसिक चीज़ें दोस्तों जो मैं आप लोगों को करा रहा हूँ, मोस्ट ऑफ द टाइम जहाँ भी आपने ये पढ़ते होंगे अगर कहीं पर देखा होगा तो लिखा तो किताबों के अंदर ही है सब कुछ, कहीं कुछ भी बाहर नहीं है। लेकिन इस चीज़ को समझने की ज़रूरत है कि कई बार हम देखते हैं हाँ ये आता है ठीक है ओके पढ़ लेते हैं लेकिन वो दिमाग में नहीं बैठता है। तो इसलिए दोस्तों ये आपको सारा कुछ कवर कराया जा रहा है वन बाई वन। ये बेसिक चीज़ें दोस्तों आने वाले टाइम में हम इसको लेवल आगे भी लेकर के जाएंगे, लेकिन जब अगर हम आगे क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहते हैं हमें पता होना चाहिए नाउन क्या होता है, एडजेक्टिव क्या होता है, एडवर्ब क्या होता है। ये सिर्फ और सिर्फ आप लोगों के लिए कराया जा रहा है बिकॉज आपने ही बताया था, मुझे बोला था कि सर आप जब भी शुरू करोगे तो बेसिक लेवल लेकर के चलिएगा, तो मैं उसी लेवल को आप लोगों के लेकर के चल रहा हूँ। तो वी कैन स्पीक ऑफ अ ब्रेव सोल्जर अ स्ट्रॉन्ग मैन अ ब्यूटीफुल फ्लावर। तो दोस्तों यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल हैं जिनसे आप अपने आप को कनेक्ट कर सकते हैं अवेस्टिक नाउन को लेकर के। वी कैन स्पीक ऑफ अ ब्रेव सोल्जर्स अ स्ट्रॉन्ग मैन अ ब्यूटीफुल फ्लावर बट वी कैन ऑल्सो थिंक ऑफ दीज क्वालिटीज अपार्ट फ्रॉम एनी पर्टिकुलर पर्सन और थिंग एंड स्पीक ऑफ ब्रेवरी स्ट्रेंथ ब्यूटी बाई देमसेल्व सो ऑल्सो वी कैन स्पीक ऑफ वॉट पर्सन डू और फील अपार्ट फ्रॉम द पर्सन themselves एंड गिव इट अ नेम। द वर्ड अवेस्टिक मीन्स डाउन ऑफ। तो जो आपको जैसे मैंने आगे जो बताया सेम टू सेम इसके अंदर है दोस्तों। तो अब बढ़ते हैं दोस्तों अवेस्टिक नाउन्स आर फॉर्म्स। दोस्तों कैसे फॉर्म किए जाते हैं उनको मैं आपको उनके बारे में बता देता हूँ। फॉर्म एडजेक्टिव एज ए, तो दोस्तों जब अवेस्टिक नाउन एज ए एडजेक्टिव यूज होता है काइंडनेस फ्रॉम काइंड ऑनेस्टी फ्रॉम ऑनेस्टी। तो काइंडनेस होता है दोस्तों वो काइंडनेस फ्रॉम काइंड ऑनेस्टी फ्रॉम ऑनेस्ट। मोस्ट अवेस्टिक नाउन्स आर फॉर्म दस। सेकंड देखते हैं दोस्तों वर्ब्स। एज ए वर्ब दोस्तों जब यूज होता है तो ओबीडियंस फ्रॉम ओबे ग्रोथ फ्रॉम ग्रो फ्रॉम कॉमन एज ए चाइल्डहुड फ्रॉम चाइल्ड स्लेवरी फ्रॉम स्लेव। अनदर क्लासिफिकेशन ऑफ नाउन्स इज वेदर दे आर काउंटेबल और अनकाउंटेबल। दोस्तों अब आती है बस काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन्स के बारे में। हमने अवेस्टिक नाउन पढ़ा, कॉमन नाउन प्रॉपर नाउन पढ़ ही लिया दोस्तों, कलेक्टिव नाउन हो चुका है, कलेक्टिव नाउन के बारे में डिस्कस कर लिया है। अब जल्दी से जल्दी अनकाउंटेबल अकाउंटेबल के साथ जाते हैं दोस्तों। छोटा सा होता है कोई ज़्यादा इसमें कुछ भी नहीं है।
दोस्तों काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन आर द नेम्स ऑफ ऑब्जेक्ट पीपल ईटीसी दैट वी कैन काउंट एग्जांपल बुक पेन एप्पल बॉय सिस्टर डॉटर डॉक्टर हॉर्स। दोस्तों जो काउंटेबल अनकाउंटेबल नाउन होता है दोस्तों उसको हम कैसे फॉर्म करते हैं, जैसे कि अगर कोई पेन है एप्पल बॉय सिस्टर डॉक्टर हॉर्स लाइक दिस, जो भी किसी चीज़ के अगर हम उसको हम काउंट कर सकते हैं। अब जैसे कि हम बात करें मिल्क, आप मिल्क को काउंट कर सकते हो? नहीं। अगर मैं बोलूँ पेन, तो पेन कितने होंगे? एक होगा, दस होगा, सौ होंगे, हज़ार होंगे, कितने भी होंगे आप काउंट कर लोगे ना। अगर मैं आपको एक गिलास में पानी दूँ, मैं आपको बोलूँ इसको काउंट करो, आप कर लोगे? तो कहने का मतलब है जो काउंटेबल नाउन अनकाउंटेबल नाउन कुछ इस टाइप की होती हैं, मैं आपको वन बाई वन कवर करा देता हूँ। अनकाउंटेबल नाउन जो होती है आर नेम्स ऑफ दीज थिंग्स विच वी कैन नॉट काउंट, एग्जाम्पल मिल्क ऑयल शुगर गोल्ड ऑनेस्टी। अब मैं बोलूँ आपको ऑनेस्टी, ईमानदारी को, कितनी ईमानदारी है आपके अंदर, क्या आप उसका मेजरमेंट कर सकते हो? आई थिंक उसको नहीं कर सकते। लेकिन अगर हम काउंट कर सकते हैं तो किसको कर सकते हैं? बुक पेन एप्पल बॉय सिस्टर डॉक्टर हॉर्स, ऐसी चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं। जिनको हम काउंट कर सकते हैं उसको काउंटेबल बोलते हैं, जिनको नहीं कर सकते उनको अनकाउंटेबल बोलते हैं। अनकाउंटेबल में कौन कौन सा आता है? मिल्क ऑयल शुगर गोल्ड और ऑनेस्टी। दे मेनली डिनोट द सबस्टेंस एंड अब्स्ट्रैक्ट थिंग्स। तो काउंटेबल नाउन हैव प्लूरल फॉर्म्स व्हाइल अनकाउंटेबल नाउन डू नॉट। फॉर एग्जाम्पल वी से बुक्स बट वी कैन नॉट से मिल्क। दोस्तों जो इसमें एक नोट करने वाली चीज़ है वो आपको मैं बता देता हूँ, यहाँ पे आप इसको नोट कर लीजिएगा काफ़ी स्टार बना करके। जो काउंटेबल नाउन के अंदर दोस्तों प्लूरल फॉर्म आती है, बट अनकाउंटेबल नाउन के अंदर प्लूरल फॉर्म नहीं आती है। हम बुक्स को बुक्स कह सकते हैं, पेन को पेन कह सकते हैं, डॉक्टर को डॉक्टर्स कह सकते हैं, जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिए। लेकिन हम मिल्क को मिल्क्स नहीं कह सकते, ऑयल को ऑयल्स नहीं कह सकते, बिकॉज वो पहले से ही अनकाउंटेबल हैं तो उसकी प्लूरल फॉर्म नहीं होती है। तो उसमें ऐसे ई एस का, अगर मैं आपको समझाऊँ तो उसमें ऐसे ई एस का हम प्रयोग नहीं कर सकते हैं। कि आपने कहीं पर लिखा देखा कि मिल्क को मिल्क्स बोलते हो, या ऑयल को ऑयल्स कह रहे हो, या फिर शुगर को शुगर्स, या गोल्ड को गोल्ड, या ऑनेस्टी को ऑनेस्टीज। तो लाइक दिस आप समझे होंगे दोस्तों, बुक को हम बुक्स कह सकते हैं, डॉक्टर को डॉक्टर्स कह सकते हैं। तो काउंटेबल मतलब कि काउंटेबल नाउन है प्लूरल फॉर्म्स दोस्तों, काउंटेबल होती हैं वो प्लूरल होती हैं, और जो अनकाउंटेबल होती हैं दोस्तों वो सिंगुलर होती हैं। तो अब बात करते हैं दोस्तों, तो अब मैंने जो आपको सब कुछ क्लियर करा दिया दोस्तों नाउन के बारे में, मैंने आपको वन बाई वन चीज़ें कवर करा दी हैं। नाउन का जो हमारा टॉपिक है दोस्तों वो लगभग कंप्लीट हो चुका है। कल हम दोस्तों इसके बारे में आपके साथ इसके क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। थोड़े से मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा, मैं आपको दिखा भी देता हूँ कुछ क्वेश्चंस, मैं आपको यहाँ पर कवर दिखा देता हूँ जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन के बारे में आपको यहाँ मिलेंगे। उनमें आपको दोस्तों फाइंड करना है कि किस में अब्स्ट्रैक्ट नाउन है, किसके अंदर कलेक्टिव नाउन है, किसमें कौन सा यूज हुआ है, लाइक दिस। उसके बाद दोस्तों मैंने आप काफ़ी कंटेंट आप लोगों के लिए तैयार किया हुआ है, तकरीबन 25 क्वेश्चंस होंगे दोस्तों जिसमें आपको यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। उसके बाद दोस्तों एक्सरसाइज होगी आप लोगों के लिए, राइट द कलेक्टिव नाउन यूज इन द डिस्क्राइब अ नंबर ऑफ। दोस्तों आप तो आपके सामने चार ऑप्शंस वाले क्वेश्चंस भी आएंगे। तो आने वाले टाइम में दोस्तों मैंने जो आप लोगों के लिए प्रोवाइड कराने की चीज़ें हैं, जो आप लोगों को देने की जो कोशिश है दोस्तों मेरी तरफ से काफ़ी मतलब ज़्यादा है। बस अगर किसी चीज़ की ज़रूरत है दोस्तों वो आपके प्यार की ज़रूरत है, लाइक एंड शेयर की ज़रूरत है। आज का हमारा टॉपिक था दोस्तों नाउन। नाउन को मैंने शॉर्ट में और काफ़ी शॉर्ट एंड स्वीट तरीके में आपको समझाने की कोशिश की है। अगर फिर भी अगर आपको किसी में डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं दोस्तों, बिकॉज नाउन को मुझे नहीं लगता ऐसे सिंपल तरीके में ऐसे कम टाइम में आपको कोई समझा सकता है। बिकॉज दोस्तों नाउन को ना ज़्यादा हम अंदर किसी चीज़ के अंदर नहीं जाएंगे, तो पेपर में के अंदर ना ऐसे ज़्यादा कोई क्वेश्चन नहीं आएगा बहुत वीफली जाकर कि नाउन का ये क्या होगा, वो क्या होगा, या कैटल क्या है, किस तरीके का, जो भी होगा दोस्तों कलेक्टिव कॉमन प्रॉपर नाउन इसके इर्द गिर्द घूमते हुए क्वेश्चन के आंसर आते हैं। तो उसी टाइप से आपको पढ़ाया जा रहा है दोस्तों, बिलीव ये रखिए दोस्तों जो भी आपको यहाँ पढ़ाया जाएगा रियल एंड ऑथेंटिक पढ़ाया जाएगा। आप लोग देख ही रहे होंगे दोस्तों डे वन से लेके और आज आपका डे थ्री है, लेकिन इम्प्रूवमेंट देखिए कितना मैंने आप लोगों के लिए कर रखा है। बिकॉज जैसा कि आपको बताइए हम आप लोगों के लिए एक अच्छे से अच्छा कंटेंट तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आज से हमने दोस्तों ये वन बाई वन टॉपिक कवर कराने हैं। कल हम दोस्तों जो आप लोगों के लेकर के आएंगे नाउन का एक तरीके से आप लोगों के लिए क्वेश्चन कराएंगे। बिकॉज अगर हम आप लोगों को अगर सिर्फ और सिर्फ एक टॉपिक पढ़ा देंगे उसके क्वेश्चन नहीं कराएंगे तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। एक दिन हम टॉपिक करेंगे, दूसरे दिन हम उसके क्वेश्चंस करेंगे, ऐसा ही चलता रहेगा, करते करते एक दिन हमारा यूपी टेट क्रैक हो जाएगा।
दोस्तों इसके साथ ही मैं आपसे अलविदा लेता हूँ, मिलते हैं कल गाइस, टिल देन टेक केयर, टाटा बाय बाय एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।